हायरिंग हायरिंग हायरिंग। तो भाई जैसा कि पता ही होगा, टीसीएस ने अनाउंस कर दिया है कि 40,000 फ्रेशर्स को हायर करने वाला है इन 2021। तो भाई उसी पे पूरी वीडियो होगी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। भाई स्टे ट्यून्ड रहना, सारी चीजें बताऊंगा, पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा इंटरव्यू का कि भाई कैसे तुम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो भाई NQT नेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट, तो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि TCS NQT टेस्ट, भाई दो चीजें हैं, ठीक है। देखो अगर तुम इसको क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो भाई तुमसे पहला जो चीज है TCS निंजा इंटरव्यू कॉल वो आ जाएगा। 3.5 लाख पर एनम उसका पैकेज है भाई, तो उसके लिए कॉल लेटर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा है TCS डिजिटल एप्टीट्यूड एंड कोडिंग टेस्ट। तो भाई अगर तुम उसके लिए अप्लाई उसके लिए जा रहे हो, तो अगर वो क्लियर नहीं कर पाते, मैं कह रहा हूं अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हो, तो भाई तुम अगर वो नहीं क्लियर कर पाए तो भी तुम्हें TCS निंजा के लिए इंटरव्यू के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये हो गया, ये तो एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि भाई NQT टेस्ट क्या है। NQT टेस्ट कुछ भी नहीं है, वो एक नेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट है भाई, जो कि सबको देना पड़ेगा जो जो अप्लाई कर रहे हैं। अब भाई रही बात अप्लाई कैसे कर सकते हो, अब भाई अप्लाई कर सकते हो सीधा सीधा जाके TCS करियर्स पे जाके, नेक्स्ट द नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वहां पे, ठीक है, TCS करियर्स के वहां पे, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं भाई, सीधा यहां पे क्लिक करना और वहां पहुंच जाना, ठीक है, और अप्लाई कर देना, ठीक है। तो भाई वहां से अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, सीधा सीधा कुछ भी नहीं है भाई, फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। अभी डेट नहीं आई है, जैसा कि TCS ने बताया कि भाई अभी डेट नहीं आई है इसकी। इसकी डेट वैसे पहले क्या होता था कि सितंबर में हो जाता, 2019 में जब मैंने भी दिया था तो सितंबर में हो गया था ये, ठीक है। लेकिन अब ड्यू टू द कोविड ये सारे रीजंस की वजह से भाई ये 2020 लास्ट दिसंबर तक जाएगा भाई, उससे पहले नहीं होने वाला। तो तैयारी करने के लिए भाई अपने पास पूरा पूरा टाइम है, पूरा समय है, ठीक है। तो भाई ये चीज है, ठीक है। अब भाई बात करते हैं कि भाई पूछा क्या क्या जाएगा, कैसी चीजें होंगी। तो भाई पहली चीज आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई 60% 10th में, 60% 12th में, 60% पूरे ग्रेजुएशन में, भाई ये चीज होनी चाहिए। 60% ग्रेजुएशन में कह लो, ठीक है, पूरे ग्रेजुएशन का नहीं देखते, ठीक है, 60% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए तुम्हारी फाइनल ईयर तक, ठीक है। तो भाई ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक और चीज भाई, बैकलॉग, एक से ज्यादा बैकलॉग नहीं होनी चाहिए भाई, एक से ज्यादा बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं भाई क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा TCS, ठीक है। अगर देखो तुम अप्लाई, देखो साफ सीधी बात है यार, क्वालिफिकेशन तुम्हारी फुल टाइम बीटेक ये सारी होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज क्राइटेरिया मैंने बता दिया, ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें बताई दी है मैंने। अब क्या पूछेगा क्या क्या भाई, ठीक है। तो भाई ये देखो, अब स्क्रीन पे देखो अपनी, ठीक है भाई, देखो क्वांटिटेटिव 15 क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव के, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होंगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स 10 क्वेश्चंस होंगे NQT के लिए भाई, ठीक है। जो TCS NQT है उसका मैंने वहां पे डाल दिया है भाई, ये देख लो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और तुम्हारा कोडिंग एबिलिटी जो होगी वो 1 है, ठीक है भाई। टाइमिंग भी इसके हिसाब से दी गई है, 30 मिनट्स के लिए तुम्हारा क्वांटिटेटिव है, 10 मिनट्स के लिए तुम्हारा इंग्लिश है, 20 मिनट्स के लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, और तुम्हारा 30 मिनट्स के लिए फिर से कोडिंग एबिलिटी है। क्योंकि भाई जो देखो जो कोडिंग एबिलिटी होती है उसमें तुम्हें 30 मिनट इसलिए दिए गए हैं और एक क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि यार वो टफ होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है। उसमें तुम्हें जावा, पाइथन, पर्ल, सी से, CPPP से, इनसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेनली, ठीक। तो भाई अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस आएंगे क्या क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो भाई अब स्क्रीन पे आ जाओ भाई, फिर से मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो भाई इसमें तुम्हारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भाई नंबर सिस्टम हो गया, HCF हो गया एंड LCM हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस तुम्हें पता ही है भाई, एप्टीट्यूड में यहां के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज पे आओ भाई, तुम्हारा एवरेज हो गया, ज्योमेट्री हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फंक्शन, सीरीज एंड प्रोग्रेस, इक्वेशंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, या एज वाले क्वेश्चंस यार ध्यान रखना उनका, वो जरूर आते हैं भाई। तुम्हारे क्लॉक्स और कैलेंडर्स वाले वो भाई ट्रिक्स होती हैं जो उनको सॉल्व करने वाली, वो भी कर लेना भाई। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, भाई ये तो आते ही आते हैं भाई। तो एप्टीट्यूड का पूरा दे दिया है मैंने, तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना भाई,
ठीक है, मन करे तो ठीक है। अच्छा अब आते हैं भाई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे। भाई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे ये लोग क्या आप पूछ रहे हैं भाई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे, देखो रिकर्शन है भाई, रिकर्शन हो गया, लूप्स हो गए तुम्हारे सी लैंग्वेज में। अब सी लैंग्वेज से बेसिकली यार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो भाई मेरे में भी आया था, वो आया था कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस वाला, ये इसलिए मैंने पहले डाला है इसमें भाई, ये आता ही आता है ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यार बेसिक्स एंड डिराइव डाटा टाइप्स, ये चीजें होगी ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए जो तुम्हारे रहते हैं यार, लाइब्रेरी फंक्शंस हो गया, ब्रांचिंग एंड लूपिंग हो गया ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लेना अगर तुम एनक्यूटी के लिए जा रहे हो तो भाई ठीक है। अच्छा अब आता है भाई डाटा स्ट्रक्चर में, एरे स्टैक क्यू लिस्ट ट्री हैश टेबल एक्सेट्रा, ये तो भाई डेफिनेटली तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर में ये चीज पूछी ही जाती है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये डाटा स्ट्रक्चर के, तो ये कर लेना, गो थ्रू कर लेना भाई एनक्यूटी के लिए जा रहे हो तो ठीक है। ओके उसके बाद है भाई एक और है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क, भाई ये भी दे दिया मैंने तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो पूरा ठीक है। ओके तो भाई इसमें देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, जो मैंने रखा है पहले नंबर पे, इन द गिवन कोड सी लैंग्वेज सुडो कोड आइडेंटिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, इन द गिवन कोड सी लैंग्वेज सुडो कोड आइडेंटिफाई द बग ठीक है। ये बग वाला क्वेश्चन भाई जरूर आता है, ये प्रिपेयर कर लेना प्लीज भाई, ये आता ही आता है ठीक है। उसके बाद तुम्हें बेसिक एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाइलिंग, तो भाई ये चीजें कर लेना ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। था पूरा भाई प्रोसीजर की तुम कैसे, मतलब टीसीएस का जो इंटरव्यू होगा तुम्हारा बेसिकली, ये पूरा प्रोसीजर देखो भाई, पूरा प्रोसीजर बता दिया मैंने बेसिकली कि टीसीएस का इंटरव्यू जो एनक्यूटी में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो, ये सारी चीजें दे दी भाई, डिटेल ले ली। अगर तुमने स्क्रीनशॉट ले ले भाई, स्क्रीनशॉट रिमाइंड करके ले लेना जरूर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आने हैं भाई, बहुत मेहनत की है इधर उधर से ढूंढ के, कभी किसी मेरे जो एग्जाम्स हुए थे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर थे वहां से ढूंढ ढूंढ के भाई ये इकट्ठा किया था मैंने ठीक है। तो भाई वो शेयर कर दिया तुम्हारे साथ ठीक है। तो भाई ये चीज हो गई, एलिजिबिलिटी बताई दिया मैंने, सारी चीजें बताई दी, तो भाई लग जाओ अभी से, क्योंकि दिसंबर से पहले एग्जाम्स नहीं होने वाले, दिसंबर से पहले एग्जाम्स नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूं दिसंबर से पहले एग्जाम्स नहीं होंगे। तो भाई बहुत टाइम है, 4-5 महीने है अपने पास, आराम से टेस्ट को लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो भाई याद रखो 3.8 लाख पर एनम, 6.8 लाख, 6.5 लाख पर एनम, तो भाई दो तरीके, 3.8 लाख पर एनम, 6.5 लाख पर एनम। तो भाई याद रखना, जिसको भी टीसीएस में जाना हो तो भाई अप्लाई कर सकता है ठीक है। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, जरूर करना। ओके बाय बाय।